पहुंचना था 12:30 बजे। नाश्ता हमेशा बादशाह वाला करें। कब? अच्छा, खाना हमेशा आम आदमी की तरह खाएं दोपहर का, लेकिन हमारा दोपहर का खाना आम आदमी की तरह भी खाएंगे। और जो सुबह से आप ये लक की स्ट्रा भी रॉक, सॉरी मैं आज बोल रही हूँ, मैं आज हंस जाए मैं भी अटक गई। इससे पहले भी पानी देखने आई थी। बैठिए बैठिए ठंडे। जी जी नहाए आप, आपके लिए तो स्विमिंग पूल तैयार किया है। हाँ फिर घुस जाइए, ये नहाए ना, आप नहाए फुल टाइम, खाना भी खाएं आप। जी व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली? अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से हम भी ठीक ठाक हैं। सुबह हो चुकी है, गर्मी भी शुरू हो चुकी है, बिकॉज समर सीजन स्टार्ट हो चुका है पाकिस्तान में, यानी अप्रैल से ही स्टार्ट हो जाता है, अप्रैल मई, और अब तो मई है, तो मई क्या 3 मई है। और उसके अलावा फिलहाल तो मैं बनाने जा रही हूँ भिंडी और आलू का भुर्ता। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैं दो दो आइटम एक साथ क्यों बना रही हूँ, बिकॉज जब आप उसकी क्वांटिटी देखोगे ना आप समझ जाओगे कि आज मेरा क्या इरादा है और क्यों मैं आलू का भरता और दूसरी चीज़ क्या बोली मैंने आप लोगों से, भिंडी प्याज की सब्ज़ी, भिंडी प्याज की सब्ज़ी जो है वो बनाती हूँ। रूम आप देख रहे चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सब सिमट गया, साफ सुथरा हो गया, बेड वगैरह अपनी जगह पे, क्लोथ्स अपनी जगह पे, सब चीज़ अपनी जगह पे। और इस वक्त हो रहे हैं 10:48, यानी 11:10 है। सो व्यूअर्स किचन में चलते हैं, पकाते हैं, आपसे बातें भी होती रहेंगी, आप लोग देखते भी रहोगे, और फिर जुनेद से भी मिलवाते हैं कि जुनेद साहब इस वक्त कहाँ चढ़े हुए। जुनेद का रुमाल मेरे इस्तेमाल में आ रहा है, बिकॉज किचन में बैठ के ना तवड़ वट्टा उड़ के काम नहीं होता है, और पहले फिर भी कर लिया करती थी, बट ये कि यहाँ थोड़ी गर्मी वहाँ पर भी होती थी, यहाँ पर भी होती, बस थोड़ा इशू ये वहाँ पर खड़े होकर कुकिंग होती थी, यहाँ बैठ के हो रही है, तो बहुत एहतियात करनी पड़ती है कि दुपट्टे में आग ना लग जाए, कुछ ना हो जाए। और एक नॉर्मली आदत है, सर खुला रखने की आदत नहीं रही है ना काफ़ी टाइम से, पहले बदमाश होते थे, अब बदमाश नहीं है। सो किचन में चलते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। रेसिपी तो आपको पता है हमारी भिंडी प्याज की है। ओह हाँ, आज मेरा किचन भी बाहर आएगा, ये तो मैंने आपको बताया, नहीं तो और ज़्यादा गर्मी होगी। आपने बाहर की सूरत हाल देख ली, आज हमने अपने सर पे एक और छज्जा लगा दिया ताकि किचन में हम बाहर बैठ के पकाएं तो धूप या गर्मी का इतना शिद्दत ना हो। बाकी चलती है ज़िंदगी, इट इज़ लाइफ। मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। सो व्यूअर्स काम का स्टार्ट लेते हैं, और आज मैं बनाने जा रही हूँ भिंडी प्याज की भुजिया और आलू का भरता। यकीनन यही सोच रहे होंगे कि इतनी सारी भिंडी क्या मैं घर के लिए बना रही हूँ, तो जनाब ये भिंडी मैं आज सेल करने के लिए बना रही हूँ। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि जिस तरीके से हम लोग रेगुलर रायता वगैरह बना के सेल करते हैं मार्केट में, इसी तरीके से आज मैं बना रही हूँ भिंडी प्याज की सब्ज़ी और आलू का भरता। सो दो काम एक साथ करने थे, यहाँ जुनेद जो है अपने रायते की तैयारी कर रहे हैं, और जो मेरी हेल्प करनी है प्याज वगैरह कटिंग जो करते हैं जुनेद जिस तरीके से, वो सब कर रहे हैं। और बस इतनी शदीद गर्मी है इस वक्त, और जो है बस सैन में बैठ के इसलिए बना रहे हैं, थोड़ी हवा भी लगती रहे हम लोगों को और गर्मी का इतना एहसास नहीं हो, क्योंकि किचन में फिर जगह कम लगती है। बस यहाँ पे बस यही सिलसिला है, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक के नाम लेके हमने अल्लाह पे भरोसा करके ये शुरू किया, तो अल्लाह पाक इसे अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मकबूल फरमाए, यानी हमारी इस नीयत को, और इसमें जायका दे, और हमारे इस रिस्क में, इस रोज़ी में बरकत दें। आमीन सुमा आमीन।
और व्यूवर्स, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है कभी इतनी मिकदार में इतनी सारी चीज़ बनाने का। यानी नॉर्मली आपके सामने हम हस्बैंड वाइफ ही हैं, हम लोग इतनी मिकदार में सब्ज़ी या क्वांटिटी में कभी नहीं बनाए। सो बस अल्लाह का नाम लेके बहुत हिम्मत करके बना रही हूँ। दिल में एक थोड़ा सा खौफ भी है, एक दिल के एक कोने में, कि जो है कुछ मूछ नीच ना हो जाए, किसी चीज़ में गड़बड़ ना हो जाए मसाले में या कुछ, कि लोग बाहर जब खाएं तो उन्हें अच्छा लगे। जाहिर सी बात है वो लोग भी परचेस करके ही खाएंगे। और बस यही बातें कभी कभी हिम्मत देती हैं कि अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो कोशिश जारी रखें, मायूस ना हो, दुआ करना कभी ना छोड़ें, क्योंकि दुआ कमालात दिखाती है, मौजज़ात दिखाती है। ये उन सवालों का भी जवाब देती है जो बेचैन रखते हैं। अल्लाह इतना रहमान है कि जो इंसान बार बार नाकाम होता है उस इंसान को कहीं से आसानी वाली कामयाबी ज़रूर दे देता है, बल्कि तवक्को से ज़्यादा देता है। इसलिए अल्लाह पे यकीन रखें इंशाल्लाह, और यही यकीन हमारा भी, और दुआ यही है कि अल्लाह पाक हमें इस आजमाइश में साबित कदम रखे और इस्तकामत दे। यहाँ पर जुनैद अपने रायते की तैयारी कर रहे हैं और रायता ऑलमोस्ट बन चुका है, फिर पैकिंग वगैरह करनी है, उसके बाद जुनैद जाएंगे काम पे। फिर हवा की शिद्दत से ये चादर आज टूट चुकी है। सो व्यूअर्स, सारे काम निपटाने के बाद यानी जुनैद भी जा चुके हैं, आज आप सुबह की रूटीन देख ही रहे हैं, हमारी कंटिन्यू है वो। उसके बाद देख लीजिए मैंने कपड़े जो वॉश किए थे अभी उन्हें फैलाना बाकी है, ये इतना हिस्सा और ये सहन वहन सब धोया था, तो पहले इसको समेटते हैं फिर आपसे मिलते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। जी व्यूअर्स, कपड़े हैंग हो चुके हैं देख लीजिए। मेरे ये कपड़े इस तरह डालने का मकसद ये है कि धूप जो है ना सारी इस तरफ आती है, और जुनैद साहब को मैंने इतनी दफ़ा बोला है कि रस्सी उस तरफ बांध दी जाए ताकि कपड़े उधर ही फैलें। वेल बंदी जाएगी, किसी ना किसी दिन ऐसा ऐसा सारे काम निपट रहे हैं, वो भी अकेली जान, हम भी अकेली जान, काम ऐसे ही रहते हैं। और बस क्या बोल सकते हैं, और कुछ भी नहीं, कल का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है। शायद किसी को याद हो, अगर मेरे लास्ट व्लॉग इस तारीखों के देखें तो शायद याद आ जाए, हाँ लास्ट ईयर ईद थी। वेल और उसके अलावा आज हमारा जो है ना एक पौधा थोड़ा सा डैमेज हो गया था यहाँ से, ये वाला बेचारा मेरा पौधा, मैंने वो डंडी वैसी लगा दी वहाँ पे, और इसके फ्लावर्स देखें माशाल्लाह, अच्छे खुद ही झड़ भी जाते हैं ना, और ये देखें ये माशाल्लाह हवा से गिर रहे हैं, और मैं इन्हें उठा लेती हूँ बालों में लगाएंगे। अभी इनको पानी डालना है, थोड़ी सी गोडी करनी है। अब ये टेबल यहाँ आ चुकी है, सुबह वहाँ रखी हुई थी, घर पूरा मॉप वगैरह लग चुका है, सफाई हो चुकी है, कमरे की भी व्लॉग एडिट कर रही हूँ ताकि आप लोगों को जल्दी से मिल जाए कल वाला, ये वाला तो फिर आगे मिलेगा आपको। ये फ्लावर्स मैंने रखे हैं यहाँ, फिर मिलते हैं आपसे। मैं आ चुका हूँ काम पे से, मुझे भी गुड इवनिंग बोल दिया करें आप कभी। आपको इवनिंग नहीं, आपको आई लव यू बोलना चाहिए। ये सिर्फ मक्खनबाजी है, क्यों है ये आपको इंशाल्लाह पता चल जाएगा, ये सिर्फ बटरिंग चल रही है। बहुत भूख लग रही है, बहुत शौकीन भूख लग रही है। पहले का खाना जो है आप कितने बजे खाएंगे? इनको सवा छः हो रहे हैं। खैर मजदूर लोग हैं, कमाते ही इसीलिए हैं कि जब टाइम मिलेगा जब ही खाएंगे ना, पहले मजदूरी उसके बाद खाना। खाना तो हमने खा के गए, खाना खा लिया था सुबह हमने, नाश्ता जो था वही खाना था 12:30 बजे। नाश्ता हमेशा बादशाह वाला करें। कब? सुबह का। अच्छा, खाना हमेशा आम आदमी की तरह खाएं दोपहर का, लेकिन हमारा दोपहर का खाना आम आदमी की तरह भी खाएंगे। और जो सुबह से आप ये व्लॉग की स्टार व्लॉग, सॉरी व्लॉग बोल रही हूँ मैं, आज हंस जाए मैं भी अटक गई हूँ। व्लॉग की स्टार्ट में जो आपने कुकिंग देखी आज जो है वही हम खा रहे हैं, बाकी आपको बताते रहेंगे फिलहाल। तो जी व्यूअर्स, मेरी जगह संभाल ली है अब जुनैद साहब ने, अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत खुश हूँ कि बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। एक दिल में थोड़ी सी खटक थी, बस अल्लाह का नाम लेके बनाया था खाना, अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे पाक परवरदिगार, बड़ी इज्जत मिली। तो फीडबैक इंशाल्लाह ज़रूर मिलेंगे, आप देखिएगा इस व्लॉग के कमेंट्स में आपको अंदाज़ा हो जाएगा।
मैंने यकीन करें आप दो मरतबा खाए, सुबह भी भिंडी खाई, अभी भी खाई, और रात में जो ज़रा सी बची है वो भी खाएंगे, मुझे बहुत मज़े की लगी। तो सोचें आप जो मेरे कस्टमर हैं उनको चीनी कितनी रखी है आपने इसमें? कस्टमर चीनी पूछ रहे थे आपसे, भिंडी में चीनी कहाँ से आ गई? चाय में चीनी? एक बात सुने, क्या मैं पेशेंट से आई हुई हूँ? देखा वो भी मेरे साथ दे रहे हैं। कब्बे तो देंगे साथ, कब्बे साथ देंगे और कौन देगा? हाँ, तीन चमचे ही डाली थी जितनी आप डालते हैं। कौन सा ड्रामा था? हम तुम काच, पता नहीं कौन सा था, काच चुक गया चले भी, अभी जो आ रहा था ना कुछ दिन पे, नहीं नहीं पता नहीं कौन सा था, जौन सा भी था, काला डोरिया, कहाँ चुक गया जलेबी, पंजाबी डायलॉग है ना। वैसे ड्रामे से रमजान में, हाँ ये नहीं, काला डोरिया तो रमजान से पहले आया था। चले जी, ये हो गई ड्रामे की बात, हमारा ड्रामा भी हो गया, हमारे मियाँ जा रहे हैं पतीली रखने, देख लीजिए आप उसको धोने के लिए। फिलहाल तो अभी हम पियेंगे शाम की चाय, चाय पियेंगे क्योंकि लाइट जा चुकी हमारी 3 घंटे। अब आएगी 9:30 बजे हमारी एक चार्जिंग लाइट है, वो हमारा रात तक साथ देगी अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरीन है। वो भी उनकी इंशाल्लाह प्रमोशन करेंगे, वो खुद बनाते हैं चार्जिंग लाइट है। हाँ। और उसमें जैपनीज सेल आते हैं, जैपनीज आते हैं ना, आई डोंट नो, हाँ उन्होंने कहा था चाइना का नहीं, चाइना की तो कोई वारंटी नहीं है उनकी। मैं इंशाल्लाह लाइट दिखाऊंगा आप लोगों को कि वो खुद बनाते हैं, उनका एक एम्प्लॉयर है वो रात को रोड पे खड़े होकर वो सेल करता है, 600 रुपये की लाइट देते हैं, 600-650 की, मतलब 650 बताते, 600 में दे देते हैं, और उसमें वारंटी क्लेम भी है, सबसे अच्छी बात है उनके। वो खुद इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है और यहाँ बैठे हुए हैं छोटे से, मतलब एक शॉप लेके, और वो 10-12 लाइटें दिन में सेल भी करते हैं और भी चीज़ें वो बनाते हैं। मतलब बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत कुछ है, तालीम है, लेकिन कोई जॉब, यहाँ पे पाकिस्तान में पाकिस्तान अच्छा है, कोई फैसिलिटीज कदर नहीं है बस, जॉब वगैरह नहीं है। तो उनको, उनसे मैं मिला था, तो वारंटी क्लेम देते हैं 1 हफ्ते का, माशाल्लाह हमारा जो है 2 महीने से चल रही है। एक मिनट सबर, हमला हो गया है, हमला हो गया, दुश्मनों ने हमला कर दिया है, हमारे आसपास जंगल है, नॉट जंगल ओनली प्लॉट खाली, प्लॉट खाली है, एक नहीं 4-5 प्लॉट इधर भी खाली है, इधर भी खाली है, यहाँ पे तो 3 है ना, तीसरा बन रहा है, चौथा बन रहा है, यानी क्या सी बन रहा है, ये हमारा तो 86 है। हाँ बस बुला ले, 86 बता दिया ना, अब हम बुला लेते हैं सबको, कसम से जुनेद, फिलहाल चाय पी ले, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन छके, हाँ इधर चाय पी ले, अल्हम्दुलिल्लाह पीते हैं। ओके देख लीजिए ये लाइट है जो जुनेद आपको बता रहे थे, इस तरीके से बनाई हुई है इन्होंने, और देखें बाकायदा बाकायदा अपनी पब्लिसिटी भी की हुई है। जलती भी बड़ी प्यारी है, एक ये जलती है इसकी, एक ये बैक की। अब अंधेरा हो गया है, मगरिब का टाइम हो गया ना, तो इसलिए ये जलाएंगे। हो गई हमारी बैठने की तैयारी सहन में।